खबर राजस्थान के टोंक से है, जहां नव नियुक्त जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार निवाई पहुंचे। निवाई पहुंचने पर पीपल विधायक राम साय वर्मा ने सम्मान समारोह व आभार सम्मेलन आयोजित किया। जिला अध्यक्ष अजीत मेहता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को पार करते हुए हैट्रिक बनाकर इतिहास रचेगी। इस साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने एसजीओ की कार्रवाई को लेकर कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोंक से कजौट गुर्जर की रिपोर्ट। चुनाव का दौर भी है और लक्ष्य भी हमारे सामने है। उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर 400 पार का लक्ष्य हमारे साथ है। राजस्थान के अंदर हैट्रिक की ओर जाने वाले कार्यकर्ता 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को समर्पित करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। और आज भी 2024 के अंदर भी पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। इतना मजबूत नेतृत्व हमें मिला है। मोदी जी को दुनिया के अंदर 78% लोग लाइक करते हैं, जबकि ब्राइडेन जो अमेरिका का है, जिसकी कभी टीआरपी रहा करती थी, आज उसकी 36% रह गई है। तो हमारे लिए तो गर्व और गौरव की बात है कि हमारा नेता, हमारा शासक जो प्रधान सेवक के रूप में मां भारती के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नेता के रूप में हमारे लिए काम कर रहा है, निश्चित हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय। और जो भ्रष्ट लोग हैं, निश्चित वो बेनकाब होना चाहिए, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एसओजी हो, निश्चित काम करना चाहिए। एजेंसी किसके लिए? इन भ्रष्ट लोगों को गरीब के मुंह का निवाला छीनकर राष्ट्र के लिए लगाने का हम काम करेंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, विधानसभा के बाद में कोई कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी नहीं दिया था, न सम्मेलन किया था, तो आज एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, इनको धन्यवाद भी हो गया और आने वाले लोकसभा में चुनाव इससे भी अच्छे तरीके से लड़े उसके लिए आज आयोजन।